भारतीय सेना नए रूप से ढलने को पूरी तरह से तैयार है। आधुनिक युद्ध रणनीतियों को अब सेना ने अपनाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना अब थिएटर कमान स्थापित करने जा रही है। इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा। इन बैटल ग्रुप को एयरफोर्स व नेवी के साथ मिलेगा। आपको बता दें, इनका अंतिम परीक्षण इन दिनों थार के रेगिस्तान से लेकर रण ऑफ कच्छ तक युद्धाभ्यास दक्षिण शक्ति के माध्यम से किया जा रहा है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैले इस युद्धाभ्यास में सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्धाभ्यास दक्षिण शक्ति के तहत सेना ने रण ऑफ कच्छ के दलदली व समुद्री इलाके में अपनी क्षमता को परखा। गुप्त सूचनाएं एकत्र करने वाले सभी समूह मसलल सेना, नेवी, एयरफोर्स के अलावा तटरक्षक बल बीएसएफ के साथ ही स्थानीय प्रशासन व पुलिस को साथ लेते हुए अभ्यास किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य सभी सूत्रों को साथ जोड़ते हुए इनके बीच के तालमेल को परखना था। युद्धाभ्यास दक्षिण शक्ति के माध्यम से सेना बदलते परिवेश में रणक्षेत्र के नए तरीकों को आजमा रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोल दुश्मन को न केवल चौंका सके, उसके महत्वपूर्ण भूभाग पर कब्जा जमाया जा सके। इसे ध्यान में रख युद्ध से जुड़े सभी चीजें, एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।